santé virage ma perdi da che tutta è questa Oh.
कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किसी काम का नहीं है। जब तक नमक नमकीन है ठीक है, परंतु जैसे ही नमक का स्वाद बिगड़ जाता है, क्या हम लोग अपने खाना में डालते हैं उसको? जब यीशु मसीह संसार में थे, जब उस जमाने में नमक का व्यवहार किया जाता था, नमक का व्यवहार किस किस काम के लिए होता है? खाने के लिए, खाने के लिए, और वही खाने के लिए, फल भी तो खाते ही, हाँ ओके, और पानी में नमक पीने के लिए बोल दिया, खाने और पीने के लिए, ओके, और नमक और किस लिए व्यवहार करते हैं? फास्टेड में भी यूज होता है, अगर खून निकल गया नमक लगा तो ठीक है? नहीं नहीं सर, उसमें मिला के करता हूँ। हाँ, अरे खून में अच्छा काम होता है, भले लगता है जलन होता है पर एकदम अच्छा काम होता है। ओके, तो आप पुराने नियम अगर देखें तो पहले अगर कोई मीट है या मछली है या कुछ है तो पहले के लोग क्या करते थे, उस समय तो फ्रिज नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, तो नमक लगाकर उसको रख दिया जाता ताकि काफी दिन तक वो रह पाए। उसके बाद अगर कहीं फंगस हो गया तो वहां पर अगर नमक रखा जाए तो फंगस नहीं आता है उधर, क्यों? क्योंकि जहां नमकीन चीज है वहां पर फंगस का काम नहीं है। इसका मतलब है कि सॉल्ट पुराने नियम में भी जब यीशु मसीह संसार में थे बहुत अच्छा इस्तेमाल होता था, पानी में डाल दे और वो पानी आज तक, जहां तक हम लोग जानते हैं कि नमकीन पानी नहीं पीना चाहिए, परंतु प्रभु नमक दिया पानी में डालने के लिए ताकि पानी ठीक रहे, ये पुराने नियम में इस्तेमाल होता था। सेकंड थिंग जो हम लोग देखते हैं 14 में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, लाइट। लाइट हम लोग बहुत अच्छा तरह से जानते हैं कि प्रथम ईश्वर की सृष्टि को रचे, हम लोगों का क्राइस्ट लाइफ। आज हम लोग बहुत जन चर्च में आते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हम लोगों का नमक यानी हम लोगों का जीवन में कोई स्वाद नहीं है। अगर सब्जी में नमक ना हो तो कैसा लगेगा? How do you feel? कैसा लगेगा? दो दिन पहले मेरी वाइफ कितना अच्छा सब्जी बनाई, ठीक है, अचानक बोली अरे नमक डालना कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? तो जल्दी से मैंने कहा नमक ले लिया और जैसे ही नमक डाला सब्जी टेस्ट ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो नमक एक ऐसा चीज है जो हमारे जिंदगी को रिलेट करता है। हम लोग चर्च आते हैं, हम लोग ईश्वर के घर आते हैं, परंतु हम लोगों में टेस्ट नहीं, हम लोगों में गुण नहीं पाया जाता है। हम लोगों के अंदर गुण होना चाहिए, हम लोग के अंदर सुंदर क्वालिटी होना चाहिए। एक बार किसी ने कहा बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत सच्ची घटना है। एक पास्टर बहुत दूर, उसका ट्रांसफर होता है बहुत दूर और किसी पहाड़ी एरिया में, और कल का दिन, आज शनिवार है कल संडे है, और वो पास्टर को उस चर्च का इंचार्ज बनाया जाता है। पास्टर बेचारा जाता है दो तीन दिन पहले पहुंच जाता है, सब ठीक ठाक करता है। शनिवार के दिन वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा था, तो बस कंडक्टर उसके पास आया, बस कंडक्टर उसको टिकट दिया, टिकट देने के बाद वो पैसा दिया, और जो बस का कंडक्टर है, जो बस जो टिकट दे रहा था, वो क्या किया, उस पास्टर को कुछ खुजरा पैसा ज्यादा दे दिया। तो पास्टर देखा 50 पैसे ज्यादा दिए, 50 पैसे, तो 50 पैसा वो रख लिया। वो सोचा 50
पैसे का क्या कीमत है? कोई वैल्यू नहीं। छोड़ो, 50 पैसा अपने रख लेते हैं। फिर एक मन आया, नहीं नहीं दे देना चाहिए, नहीं नहीं दे देना चाहिए। बस में बहुत लोग थे, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। कुछ देरी बाद जैसे ही पास्टर का स्टॉपिस आया, पास्टर बहुत चिंता में है कि ये 50 पैसा लौटा है कि नहीं लौटा है, क्योंकि 50 पैसा का कोई कीमत भी नहीं है। क्या वैल्यू है 50 पैसा? कौन जाएगा लौटाने, कौन इतना बात करने जाएगा? ऐसे भी लोग बहुत। तो वो बस के मुख में खड़ा है, अब जैसे ही उतरने वाला है, पास्टर को 50 पैसा लेके उसको दे दिया। बोला भैया आप 50 पैसा चार्ज दे दिए। जैसे ही उतरा वो, तो वो कंडक्टर उसको बोलता है कि पास्टर आप इसी शहर के नए पास्टर हैं। तो कंडक्टर का वो चेहरा देखता है, बोलता कि हाँ मैं इस शहर का नया पास्टर हूँ। एक्चुअली बहुत दिन से हमको लोग बोलता था कि चर्च जाओ चर्च जाओ चर्च जाओ। हम तय किए कि हम कल से चर्च जाएंगे, सैटरडे, उस दिन शनिवार, रविवार से हम चर्च जाएंगे। पर हम देखने मांग रहे थे कि पास्टर कितना होने से, ये 50 पैसा जो आप हमको लौटाए, हमको मालूम हो गया कि हम कल चर्च जहाँ जा रहे हैं वो सही जगह है। आपके अंदर स्वाद है कि नहीं आपको जानने की जरूरत नहीं है, लोग चख लेगा उठा के। आमीन। क्योंकि जो सब्जी बनाता है वो सब्जी अपने आप को चखता नहीं है, हम लोग चखते हैं। हम लोग बोलते हैं अच्छा है कि अच्छा नहीं है। वो सब्जी कभी नहीं बोलता है ना, वो सब्जी कभी बोलता है वेरी टेस्टी नहीं, हम लोग चखते हैं। हमारा जीवन कैसा है कैसा नहीं लोगों को मालूम चलेगा जब लोग हमारे करीब आएंगे, लोग हमारे पास आएंगे। और वो पास्टर सारा रास्ता भर सोचते रह गया कि अगर मैं 50 पैसा नहीं लौटाता तो क्या होता, क्या होता। What I'm trying to tell you, कि अगर नमक है हमारे अंदर, अगर मसीह है और अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, और अगर यीशु मसीह हमारे बाहर में स्वाद नहीं दे पा रहा है लोगों को, तो हमारा क्राइस्ट लाइफ सही नहीं चल रही है। हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग बहुत मुंह से गंदा बात बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे का बुराई बहुत करते हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे अंदर नमक नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर स्वाद नहीं है, है ना। कोई भी थोड़ा सा गुस्सा करने से फट से हम लोग एक गंदा बात बोल देते हैं। कोई अगर कुछ ऐसा बोले फट से हम लोग किसी को मारने के लिए दौड़ते हैं। कोई अगर कुछ ऐसा बोलता है फट से हम लोग एक कमेंट्स पास कर देते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा दूसरे चीज लाइट के बारे में भी, कि हम लोगों का लाइफ कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, इफ द सॉल्ट बिकम्स सॉल्टीनेस आवर लाइफ इज यूजलेस। अगर हमारा जीवन अगर स्वादित नहीं रहा, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं रहा, तो हम बेकार हैं। सेकंड इट इज लाइट। क्या लिखा है 14 में, तुम क्या हो? तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो क्या नहीं हो सकता, वो छिप नहीं सकता। अगर आप उजाला हो, अगर आप में प्रकाश है, अगर आपके अंदर गुण है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर प्रभु यीशु का वास है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको कोई भी उन्नति से रोक नहीं सकता है, कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है कि जहां पर अंधेरा है वहां उजाला नहीं है, और जहां उजाला है वहां अंधेरा नहीं है। इसका मतलब उजियाला जीतता है हर जगह। अभी हमने पढ़ा ना आदि पुस्तक 1:2 में कि बोलचे अंधकार छिलो, তারপর ঈশ্বর কি ভাবলো কি আমাকে আলোক তৈরি করতে হবে।
आज हमारे घर में हमारे फैमिली में उजियारा नहीं है। आप जानते हैं जब 3 बजे आप अगर 3 से 3:30 या 4:30 के देखेगा उस समय अंधकार ज्यादा आ जाता है ना, डार्क। कभी देखे आप 3 बजे आप देखेगा 2-3 ऐसे तब अंधेरा डार्क फुली डार्क, क्योंकि उस समय लोग बहुत जल्दी उठते थे, सुबह उठते थे। आज भी अगर आप पहाड़ के एरिया में जाइए, पहाड़ी एरिया में जहाँ हिल एरिया है, आप देखिएगा वहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। ठीक है, मैं जब मेघालय या नागालैंड ये सब जगह में जाता हूँ तो 6 बजे डिनर, 6 बजे डिनर भी खाता है, 6 बजे अभी चाय पीता है, तो बोलता है 6 बजे खाएंगे 7 बजे सो जाएंगे और सुबह 4 बजे उठ जाएंगे। तो वहाँ जाने से मेरा रूटीन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब सुबह जाते हैं सुबह छः बजे एकदम पेट भर के नाश्ता खा लीजिए आप। क्यों मालूम है? कारण एक ही है, क्योंकि वहां पर 1 बजे तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां का लोग सुबह, नेपाल में भी मैं सेम चीज देखा, वहां का लोग सुबह घर से निकलता है भात उत खा के। हम फिर भी नेपाल में थोड़ा शांति था, हमको 7:30 बजे 8 बजे तक भात खाते थे, परंतु मेघालय वाले में जाने से तो सुबह ही पूरा भात मार लो एकदम, पूरा रखट के ले लो एकदम। ठीक है, सुबह 6 बजे पास्टर यू विल बी हंग्री, और वहां पर दोपहर में भात भी नहीं मिलेगा किसी होटल में आपको, नियम ही अलग है। सुबह ही भात मिलेगा गरम गरम, और दिन में जाएंगे तो चाय मिलेगा सब समय। अरे बाबा कहां के मरे। ठीक है, 1 बजे जब हम उस लोग को देखते थे ना, हमको उन लोग के ऊपर माया नहीं लगता था, हमको अपने ऊपर ही माया लगता था। क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली 1 से 2 बजे के अंदर बहुत भूख लगता है, और हमको ऐसे ही लगता है। तो ये औरत सुबह एकदम सुबह सुबह उठी, ये देखी कि जब मेरा बेटा मर गया, अरे परंतु जब ठीक से उजाला आया तब वो क्या देखती है, ये मेरा बेटा नहीं है। इसका मतलब क्या है मालूम है? बहुत बार हम लोग अंधेरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है लोगों से। हम लोग जब लोगों को गलत कब समझते हैं मालूम है? जब हम लोगों को पूरा तरह से सच्चाई नहीं मालूम रहता है। हम लोग बोलते हैं वो आदमी गलत है, परंतु कुछ दिन के बाद जब हम लोग को पूरा सच्चाई मालूम चलता है, हम लोग क्या बोलते हैं, इस भूल 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 गए थे, अपनी यह तो भालू लोग अभी भूल भूल भेजे थे, हमें क्षमा कर देते। इसका मतलब क्या है? अंधेरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, अंधेरे में गुनाह होता है, अंधेरे में पाप होता है, परंतु उजियारे में परमेश्वर का अद्भुत काम होता है। उजियारे में परमेश्वर अद्भुत काम करता है हमारे लिए, क्योंकि जब इस पूरे पृथ्वी में अंधेरा था तो प्रभु ने सबसे बड़ा मिरेकल क्या किया मालूम है? प्रभु ने उजियारा बनाया। जब हम अंधेरे में थे, आमरा अंधकारे छिलम एक दिन, आमरा जीशु के जानतम ना, आमरा प्रभु के जानतम ना, आमरा पापे बोझाय आमरा छिलम, किंतु जखन आलो आमादेर जीवने एसे आमरा ईश्वर के चिनेछि। आमेन। आजके आमरा जे एखाने प्रभुर काछे एसेछि, आमरा एकदिन आलो पेयेछि, किंतु प्रभुर वाक्य कि बोलछे, तुमरा आलो पेयेछो किंतु आजके तुमि निजेई आलो आछो। आमेन। हालेलुया। वी आर हिमसेल्फ अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आमरा निजेई आलो, केन प्रभुर वाक्य कि बोलछे, क्या कह रहा है कि तुम जगत की क्या हो? वाह, जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। 15 में बहुत सुंदर लिखा है, और लोग जब लाइट जलाते हैं, मैं सुबह में मॉर्निंग में भी बोल रहा था फर्स्ट सर्विस में, कि जब आप जब घर का लाइट जलाते हैं या लाइट लगाते हैं, कभी कहां लगाते हैं लाइट, जब अगर आप घर में लाइट लगाएंगे तो था अपनी आलो कहां लगाते हैं? एकदम जहां से आपका पूरा घर में रोशनी आए, है ना। आप कभी भी पलंग के अंदर नहीं फिट करते हैं, है ना, खाटे नीचे ने अपनी फिट करते हैं, बोल्डर भीतरे लगाएंगे और आलो ऊपर है, ऐसा नहीं होता है। आप जब किचन में जब जाते हैं तो आप किचन के एकदम सही पॉइंट में लगाते हैं, ताकि तरकारी फूट रहा है तो देखें, है कुछ अगर कीड़ा भी गिर गया तो हमको दिखेगा। ठीक है, आप किचन में आप उस स्लैब के नीचे नहीं लगा देते हैं, आप
बत्ती ताकि यहाँ से तरकारी भी दिखे। No, you don't do that. आप क्या करते हैं? एकदम पॉइंट पर रहता कि कोई कोई असुविधा ना हो, चूल गिर जाए, कुछ गिर जाए, काटने में कुछ कुछ को दिखे आपको। उसी तरह प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर की बोलचे, आम्रा जगते किया ची आलो ज्योति। अनेक बार आम्रा भाभी आमदे लाए बेकार, किंतु आम्रा जानी ना, हम लोगों को पता नहीं, प्रभु ने हमें मेन सेंटर के लिए बुलाया है, आमीन। प्रभु ने हमें मेन पॉइंट के लिए बुलाया है, और हम लोग सब समय अपने आप को खाट का नीचे कर रख लेते हैं, किचन स्लैब का नीचे रख लेते हैं, परंतु प्रभु हम लोगों को एक विशेष काम के लिए बुलाया है। और मैं आपको बता दूं कि जहां आपका पैर रहेगा, जहां आप अपने कदम को रखेंगे, वहां पर परमेश्वर का उजाला आएगा, वहां पर परमेश्वर का रोशनी आएगा। जिस घर में प्रॉब्लम है, जिस घर में समस्या है, जिस घर में तकलीफ है, अगर आप वहां पर जाएंगे तो वहां अंधेरा नहीं, परंतु आपके द्वारा उस घर में उजाला आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका लाइफ इज अ वेरी The life you have is a very, very precious. बहुत बार हम लोग अपने जीवन में बोलते हैं, आर पाचीना, हम मर जाने से मेरे लिए अच्छा है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, हम बेकार इस धरती में, हम बेकार इस पृथ्वी में हैं, मेरा जीवन बेकार है, मुझे मर जाना अच्छा है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं? जब बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है, अब नहीं हो रहा है, छोड़ो, बेकार जिंदगी है, मर जाना अच्छा है। पर तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रभु के वचन से आपको चेतावनी देना चाहता हूं, जिस दिन आप ऐसा बोलते हैं, उस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को नीचा करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप बोलते हैं मुझे मर जाना अच्छा है, बेवकूफ, तुम्हारे लिए तो यीशु क्रूस पर मरा था, और आज तुम बोल रहे हो हमको मर जाना अच्छा है, तब वो क्यों मरा था? वो किसके लिए बना था? वो मेरे और आपके लिए बना था। हमारा लाइफ अंधकार में नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम है, हो सकता है समस्या है, हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे चीज है जो हमारे संग नहीं चल रहे हैं, और हम बहुत उदास है, बहुत परेशान है। That doesn't mean that you will curse yourself. इसका मतलब नहीं कि आप अपने आप को श्राप देंगे, क्योंकि आपका जीवन अंधकार में नहीं, आपका जीवन उजियाला में है। आमीन। क्योंकि आप जहां रहते हो वो उजियाला है। हो सकता है कुछ देर के लिए अंधकार होगा, कुछ देर के लिए अंधकार होगा, कुछ देर के लिए अंधकार होगा, परंतु जैसे ही प्रभु यीशु मसीह स्विच बटन को ऑन करेगा, जितना नेगेटिव वर्ड है, जितना मुसीबत है, ये ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। Can I switch off this light? I just want to switch off this light. अभी मेरे लिए इस किताब को पढ़ना बहुत मुश्किल है, बाइबल। मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? वैसे ही दिख रहा है जैसा भी दिखता था मुझे? यहाँ कैन यू ऑन? आप कैसे लग रहे हैं? कैंसर लग रहा है? तो जब अंधेरे में थे तो बहुत कुछ नहीं दिख रहा था, अभी आप देखेंगे सर का यहाँ एक दाना दिख रहा है, सर का यहाँ एक दाना हो रहा है। क्यों? क्योंकि उजियाला है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब आप अंधेरे में रहते हैं तो कंफ्यूजन होता है, जब आप उजियाले में रहते हैं तो क्लियरनेस आता है। The moment you step into the light, God brings the victory in your life. जब आप उजियाले में अपने पैर को रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे पन्ने को क्लियर कर देता है जो आपके मन में डाउट है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम उजियाले हो। आमेन। आमेन। प्रभु ने कहा कि मैं उजियाला हूं। प्रभु ने कहा एक वचन में, मैं जगत की ज्योति हूं। परंतु प्रभु यीशु यहां क्या कर रहे हैं? तुम जगत की ज्योति हो। कौन? 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 आप अपने दिल में हाथ रख के कहिए कि मैं जगत की ज्योति हूं। कहे मैं जगत की ज्योति, जोर से कहे मैं जगत की ज्योति।
बाद से कभी भी अपने ऊपर आप अपने आप को श्राप मत दीजिए कि मेरा लाइफ बेकार है। आप जगत की ज्योति हो, आमीन। जो आपके पास आएगा वो जीवन पाएगा, आमीन।